वहीं गाजा की 22 लाख से ज्यादा आबादी भुखमरी की कगार पर है, जिसे देख अमेरिका ने जंग के बीच गाजा में पहली बार मदद पहुंचाई है। अमेरिकी सेना के एयरक्राफ्ट ने पैराशूट से फिलिस्तीनियों के लिए खाने के बक्से गिराए हैं। इसे लेने के लिए लोगों को समुद्र में दौड़ लगाते हुए देखा गया। वहीं गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने के पॉइंट बनाए गए हैं, एक जगह समुद्र के पास है। यहां अमेरिका ने मदद पहुंचाई। गाजा की 22 लाख से ज्यादा आबादी भुखमरी की कगार पे है। अमेरिका ने 66 बक्सों में से 38,000 रेडी टू ईट मील्स गिराई। अमेरिका का कहना है कि ये बस शुरुआत है, वो आगे भी गाजा में हो रहे फिलिस्तीनियों की मदद करता रहेगा। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था, जॉर्डन की सेना भी इसमें शामिल थी। आपकी जानकारी में ला दें कि अमेरिका ने मदद पहुंचाने का फैसला ऐसे समय लिया जब खाना लेने पहुंचे लोगों पर इजरायली सैनिकों ने फायरिंग कर दी थी। इस घटना के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए थे। पता चल रहा था कि जहां फायरिंग हुई वो एट पॉइंट समुद्र के पास ही था। इस दौरान 112 लोगों की मौत हुई। 7 अक्टूबर 2023 को हुई इजराइल हमास जंग में अब तक 24 अस्पताल और 123 एम्बुलेंस तबाह हो चुके हैं। कोई गाड़ी नहीं होने के कारण 1 मार्च को घायल हुए लोगों और शवों को गधा गाड़ी से अस्पताल में ले जाया गया। इसके अलावा जिस ट्रक में राहत सामग्री पहुंची थी उसमें भी शवों और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया था। जंग में अब तक 30,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।